हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? जो हमारे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज को इजी बनाए उसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं हेल्प करता है हमारे बायो रिसोर्सेज को और उनकी डायवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने में। तो इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कर पाते हैं, अपने बायो रिसोर्सेज को और उनकी डायवर्सिटी को आसानी से समझ पाते हैं। इसी के साथ ही साथ जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज को इजी बनाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसको ले जाना होगा लैब में जांच करने के लिए। अगर लैब नहीं है तो एक एक प्रकार से हम लोग उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उस स्पीसीज को जानने के लिए। और कुछ ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड होंगे जिनमें कुछ में प्लांट रखे जाएंगे, जिनमें कुछ में एनिमल का सैंपल रखा जाएगा। सैंपल को यहाँ पर स्पेसिमेन बोला जाएगा। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं इनका यूज होता है ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है। जब हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड का यूज करते हैं तो हमको ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानने को मिलता है, और ही साथ ही साथ हमको कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। तो ये कह रहा है कि फ्यूचर स्टडीज में हमको हेल्प मिलेगी। अब पहली जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम की जो स्टैंडर्ड साइज है वो 11.5 x 16 x 5 इंचेज है। हर्बेरियम क्या होता है? ये एक स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है? प्लांट के स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है। और ये प्लांट का जो स्पेसिमेन है वो ड्राइड होगा, प्रेस्ड होगा और प्रिजर्व किया जाएगा एक सीट पर। और जो उस सीट की स्टैंडर्ड साइज है उसकी साइज क्या है? 11.5 x 16.5 इंचेज। यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पेसिमेन रखा जा रहा है ड्राई करके, प्रिजर्व करके और प्रेस करके रखा जा रहा है। और ये जो सीट रखी जाएंगी हर्बेरियम फाइल में वो अरेंज होती हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा। वो कौन सा सिस्टम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? दैट सिस्टम इज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। और यहाँ पर जो ये हर्बेरियम फाइल है ये स्टोर हाउस तो है ही, साथ ही साथ ये रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर के लिए भी यूज की जाती है। रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर स्टडीज के लिए भी यूज की जाती है। सबसे जो अच्छी बात है हर्बेरियम सीट की, तो हर्बेरियम सीट में हमको देखने को मिलेगा एक लेबल। उस लेबल पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? डेट के साथ प्लेस ऑफ कलेक्शन देखने का मिलेगा, इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, साथ ही साथ फैमिली उस प्लांट की या उसके साथ ही हमको कलेक्टर का नेम भी देखने को मिलेगा। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इज द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। जब भी हम लोग किसी भी प्लांट स्पीसीज को क्विक रिव्यू करना चाहते हैं तो वन स्टूडेंट मस्ट हैव टू गो विद द हर्बेरियम। यहाँ पर दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड जो दिया गया है वो है बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन है तो जाहिर सी बात है प्लांट से रिलेटेड होगा। यहाँ पर प्लांट को एक नमूने के तौर पर लाकर गार्डन में स्टेब्लिश किया जाता है, जिससे हम लोग क्विक रेफरेंस पाते हैं। प्लांट स्पीसीज जो होती हैं वो गार्डन में ग्रो कराई जाती हैं किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। और उस प्लांट पर लेबलिंग कर दिया जाता है उसके बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम को, साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी लिख दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है वो क्यू है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है इंडिया, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।